शादी की 8 वर्ष पूर्व कटान से घर व खेत गंवा चुके परिवारों को इमिलिया गांव के सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा, बने रहे हमारे साथ छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको खबर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गांव में नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के कटान के कई वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिससे घर व खेत को गंवा चुके परिवारों को इमिलिया गांव के सड़क के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने पर मजबूर हो गए। गरीबी के चलते इन दर्जनों परिवारों को तहसील प्रशासन की ओर से कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं मुहैया कराया जा सका है, जिसके चलते कई बरसात एवं शीतकालीन में गुजर बसर करने के मजबूर हैं। वर्ष 2013 की बाढ़ में इमिलिया कोटवा आवास के लिए दहावर कला के सैकड़ों किसान के हजारों बीघा कृषि योग्य भूमि व कच्चे पक्के मकान राप्ती नदी बाढ़ के कटान में समा जाने से बेघर हो गए हैं। प्रशासन ने कटान पीड़ितों को अलग बसाने के लिए जमीन तलाश कर सरकारी आवास उपलब्ध कराने के इस पीड़ित को पूरा भरोसा दिलाया गया था, लेकिन आज तक उन्हें जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने इनका कोई पुरसहाल नहीं लिया। बरसात के समय में सड़क के किनारे जल भराव हो जाने से इनके घरों में बिसेले जानवर छिप कर घुस आते हैं, इससे इनका जीवन हमेशा खतरे में बना रहता है। इमिलिया गांव में सड़क किनारे टटिया लगाकर छप्पर रखकर निवास कर रहे इनका परिवार दिहाड़ी मजदूरी व बटाई लेकर जीवन यापन करके जीने के लिए विवश है। कुछ परिवार गैर राज्य में मजदूरी करने गए हुए हैं। पीड़ितों ने बताया कि संतोष कुमार ननकऊ छेदन कुद्दन नन्हे मीना ने बताया कि वर्ष 2013 से भयंकर बाढ़ में हम लोगों की कृषि योग्य भूमि एवं कच्चे व पक्के मकान राप्ती नदी के कटान में गिर जाने से बेघर हो गए हैं। कोई शिकायत वगैरह इन सभी कटान पीड़ितों ने बताया कि गांव में किसी भी पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि सांसद विधायक बेघर परिवारों की मदद के लिए हालचाल लेने तक नहीं आया और ना ही कोई प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास की योजनाएं का लाभ मुहैया नहीं कराई गई है। पेयजल व विद्युत व्यवस्था की गंभीर समस्या होने के कारण विभिन्न प्रकार के संक्रामक बीमारियों के ग्रसित रहते हैं। जिला व तहसील प्रशासन के अधिकारी ने भी कभी हम लोग की समस्याओं को लेकर सड़क किनारे बसे लोगों के सुध लेने तक नहीं आए। आपको बता दें कि इस वक्त राजनीति की सियासी पार्टियां हर जनपद में हर विधानसभा में अपने अपने लोट को अपने अपने वोट के लिए दौड़ भाग कर रही हैं। अगर उनके तेल का खर्चा की अगर बात किया जाए तो लगभग रोज के दिनों के कई हजारों रुपए उड़ जाते हैं, लेकिन आज इन गरीबों का सुनना कोई नहीं आ रहा। अगर विपक्षी पार्टियों की बात किया जाए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस की हो या बसपा की हो, जमीन भी कटी हुई, लेकिन आज इनके सहारा कोई नहीं दे रहा। बस भविष्य की बात करते हैं तो भविष्य की बात न कर अगर वो सामने प्रेजेंट में अगर जो इनका सहारा बने तो शायद ये व्यक्ति उन पर विश्वास कर पाएंगे। गांव के प्रधान एवं लेखपालों ने सरकार के कोई योजनाओं का लाभ नहीं दिया है। गांव के शिव प्रसाद जगराम माता दीन भगन लाल नंकू अंधरपुरवा में जाकर बस चुके हैं। राप्ती नदी करार पर बसे गंगाराम विश्वकर्मा ने बताया कि गांव के किनारे बांध बनाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन मुख्य गांव इमलिया के बचाने के लिए बांध की योजना आधी दूरी तक व्यवस्था सरकार के विभाग अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधि ग्रामीणों से नहीं ली गई, जिससे गांव के किनारे बनाए जाने की सीमा को 500 मीटर पुल तक बढ़ाए जाने की मांग किया है। उन्होंने कहा कि हम जैसे पिछड़ी जातियों को इस सरकार की योजना का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। सरकार की सभी योजनाओं से पूरी तरह से हम लोग कोसों दूर हैं और ना ही कोई राजनीतिक पार्टियां हमसे हाल चाल पूछने के लिए आए हैं। हेलो सर, प्रणाम प्रणाम। सर राजकुमार गुप्ता बोल रहा हूँ हिंदुस्तान से। राजकुमार गुप्ता बोल रहा हूँ हिंदुस्तान पर से। सर ये मिलिया गांव में जो है सड़क पे जो है लोग पन्नी बिछा के रह रहे हैं फूस। मिलिया गांव में फूस के छप्पर में 9 साल से रह रहे हैं, उनको प्रशासन की तरफ से गांव प्रशासन थोड़ी देता वीडियो से बात करिए। अच्छा तो सर प्रशासन ही उसे हस्तक्षेप करेगा, कभी देंगे वीडियो में क्या हस्तक्षेप करेगा प्रशासन? अरे उनको सुविधाएं दिलाएगा क्या? आप राजकुमार जी नियम कानून से मुझसे बात किया कीजिए। अच्छा तो नियम कहाँ रहते हैं? मिलिया यहाँ इमिलिया सड़क पे बसे हुए हैं, आखिर क्या मामला है कि यहाँ अपने खेत और गांव में नहीं है? गांव कट गया, खेत है ही नहीं। कितने वर्ष से पर यहाँ बसे हैं? 8-9 साल हो गया। अच्छा तो कोई आवास वगैरह मिला आपको? कुछ भी नहीं। सरकारी आवास कोई नहीं मिला? कुछ नहीं। कोई अधिकारी कभी यहाँ? कोई यहाँ आता ही नहीं है। कोई अधिकारी लेखपाल कानगो वगैरह कोई नहीं? कभी कभी नहीं आया।
प्रधान से भी नहीं संपर्क किया कि मतलब मिलिया गांव में आप रहते हैं, मिलिया गांव में आप वोट डालते हैं, तो आपको आवास के लिए मांग किया आपने कभी? नहीं, मांग नहीं किया आपने। और ना प्रधान ने प्रयास किया कि हम अपने लोगों को जाकर आवास दिला दें? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास या बिजली पानी कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ कुछ मिला है आपको बिजली की व्यवस्था? कुछ नहीं। कुछ क्या नाम है आपके? दशरथ। आप इमिलिया रहा तो ये बाढ़ वाड़ आवा रहा तो कभी आए बसे हो आप लोग? 8-9 साल हो गए। तो आपके कितना बीघा कट का खेत? 4 बीघा। आपका फिर तब से कोई अधिकारी आवा आपके घरे? कोई नहीं, कोई नहीं आवा। लेखपाल, कानगो या उच्च अधिकारी तहसील के? कोई नहीं, कोई नहीं आवा। कोई आवास वगैरह मिला नहीं आपका? कोई आवास नहीं मिला। बिजली पानी की व्यवस्था कुछ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कहूँ कोई शिकायत वगैरह की हो, मांगे हो? तो फूस के घर रहा आपके की है कि क्या नाम है पक्का? फूस रहा, न्यू फूस। आपका? संतोष कुमार। कहाँ रहते हैं? मिलिया में। ये आप लोग यहाँ सड़क पर महरौली में बनाए हैं घर फूस का, आखिर यहाँ के बसे हुए हैं? यहाँ हमारा गांव में जमीन था, वो सारा घर वर कट गया, जमीन कट गया, सब कट गया, तो इसलिए यहाँ पर घर बना के रह रहे हैं। कितने वर्ष? 8-9 साल से रह रहे हैं सर। तो आज तक आपको सरकारी कोई सुविधा आपको मिली? नहीं, कुछ नहीं मिला सरकारी सुविधा, कुछ नहीं मिला। मतलब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास भी आपको नहीं दिया गया? नहीं मिला, कुछ नहीं। कोई पेयजल के लिए इंडिया मार्का नल वल कुछ नहीं? बिजली वगैरह? बिजली के लिए तो हम लोगों ने अप्लाई किया था, फिर वो लगा भी नहीं। उसके लिए कई बार आधार कार्ड जमा किए, एप्लीकेशन दिए, पर बिजली लगा ही नहीं हमारे गाँव में। जो कुछ जमीन वमीन भी आपकी कटी है? जमीन भी कटी हुई है, खेत में यहाँ कट गया है, करीब 6 बीघा जमीन नदी में कट गया है। तो कोई कहीं आपने मांग किया सरकार से? सरकार से क्या मांग करे, सरकार यहाँ कोई वोट लेने के बाद में सुनने थोड़ी आता है यहाँ पर। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर।